हेलो दोस्तों, आज का वन पेज नोट है इंडिया का फर्स्ट फूड म्यूज़ियम। तो इंडिया का फर्स्ट फूड म्यूज़ियम बना है तंजावुर में। तंजावुर अपना तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको बनाया है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्यों बनाया और तंजावुर में ही क्यों बनाया? तो तंजावुर है बर्थ प्लेस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। तो इस फूड म्यूज़ियम मतलब है क्या? तो ये बताता क्या है कि कैसे इंसान अपना हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, फूड की गैदरिंग करता था। हंटिंग मतलब किसी हिरन को मार के खाया, किसी बकरी को मार के खाया, फलों को कलेक्ट किया, मशरूम को कलेक्ट किया, उसको खाया। तो कैसे इंसान की जर्नी शुरू हुई हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर, और उसके बाद उसने खेतीबाड़ी करना शुरू किया, फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर तक इसकी जर्नी ये इंडिया का फूड म्यूजियम बताता है। और उस फूड म्यूजियम के बारे में और स्पेशलिटी क्या है, ये ग्रैनरीज के बारे में बताता है। ग्रैनरीज मतलब जो अनाज के धान्य के कोठार है उसके बारे में बताता है। तो धान्य के कोठार जो रोमन ने बिल्ड किए, मुंड्रोमस ऑफ नाइजर उन्होंने बिल्ड किए, जो धान्य के कोठार कई टेम्पल में या कई किले में, अगर आप महाराष्ट्र और शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में जानते हो तो कई सारे किले हैं जहाँ पे बार्ली बाजरे इसके कोठार मिले हैं किले में। देखो ये है, बादामी फोर्ट में भी धान्य के कोठार मिले हैं, अनाज के कोठार मिले हैं। अपने अपना आर्ट और कल्चर में पढ़ाई होगा या एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रैनरीज मिली थी, वेरियस धान्य की कोठार मिले थे। तो इसके बारे में क्या है, विजिटर कैन वॉच सिग्नेचरी रेसिपी ऑफ वेरियस स्टेट, वेरियस कल्चर्स, मीन्स उड़ीसा है, नॉर्थ ईस्ट है, वेरियस स्टेट की सिग्नेचरी डिशेस है वो आप उस म्यूजियम में देख सकते हो। और क्या मिलता है हमें, लाइफ साइज रेप्लिका ऑफ पीडीएस। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे वर्क करता है आप उसको विजुअल रियलिटी के बारे द्वारे उसे देख सकते हो, उसको साक्षात्कार कर सकते हो उसके द्वारे। और यह हमें क्या दिखाता है, लॉजिस्टिक के बारे में बताता है, कैसे मतलब धान है जो खेतों से होके प्रोक्योरमेंट सेंटर, अगर आपको पीडीएस सिस्टम के बारे में पता है तो सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, जो अनाज की प्रोक्योरमेंट करती है जिस एमसीपी के द्वारा में, अभी आपको पता ही होगा जो किसानों का ये चल रहा है सारा बखेड़ा चल रहा है कि एमएसपी के बारे में। तो एमएसपी से बहुत सारे अनाज की प्रोक्योरमेंट होती है। तो उस प्रोक्योरमेंट सेंटर मतलब फील्ड से प्रोक्योरमेंट सेंटर की पूरी जर्नी ये दिखाता है। तो आज का वन पेज नोट इतना ही है। ऑल द बेस्ट।